हेलो बच्चों, आज का अनुच्छेद है करवा चौथ। आज हम करवा चौथ के विषय में जानेंगे, ये कैसे मनाया जाता है और इसे कौन मनाता है। लेकिन अनुच्छेद शुरू करने से पहले, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए, ताकि आगे आने वाले अनुच्छेद, कहानियां, पत्र आपसे छूटने न पाए। और अगर आप इंग्लिश में पैराग्राफ चाहते हैं तो उसके लिए मेरे दूसरे चैनल पर जाएं, जिसका नाम है लेट्स लर्न इंग्लिश एंड पैराग्राफ्स। तो चलिए शुरू करते हैं करवा चौथ। करवा चौथ का त्योहार हिंदुओं का प्रसिद्ध त्योहार है। यह संपूर्ण भारत में हर्ष व उल्लास से मनाया जाता है। नवरात्रि और दशहरा के जाने के बाद इसका आगमन होता है। तत्पश्चात दीपावली आती है। यह कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को मनाया जाता है, जो कि अंग्रेजी कैलेंडर के अक्टूबर नवंबर माह में होता है। यह बहुत ही पावन व्रत होता है, जो कि सुहागन स्त्रियां अपने पति के स्वास्थ्य व आयु वृद्धि की कामना के लिए करती हैं। इस दिन की तैयारी कुछ दिन पहले से ही शुरू हो जाती है, डिजाइनर करवे और छलनी की खरीदारी के साथ। इस दिन स्त्रियां ब्रह्म मुहूर्त में जाकर कुछ फलाहार इत्यादि ग्रहण करके अपना उपवास आरम्भ करती है, और संध्या समय विशेष रूप से तैयार होकर करवा माता की पूजा करती हैं एवं कथा सुनती हैं और चांद निकलने की प्रतीक्षा करती हैं। चांद निकलने पर उसे अर्घ्य देकर अपना व्रत संपूर्ण करती हैं। तत्पश्चात पानी व भोजन ग्रहण करती हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।